अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के बजे हैं 7:30। मैं लेने जा रही हूँ समीना को। समीना को लेके मैंने जाना है एक हमारी जो एक मखसूस जगह जहाँ पे हमारी फ्रेंड्स हैं, सब मिलके वेट कर रही हैं। सबसे बड़ी तो जो वहाँ पे शाहीन खड़ी है ना, वो जो वेट कर रही है, उसका मुझे बहुत टेंशन है कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। धुंध बिल्कुल नहीं है। समीना को ले लिया है इसी अरसे में, इसी असना में, यानी कि बातें करते करते मैंने इसको पिक कर लिया था, जो अपनी बेटी के साथ वेट कर रही थी। और अब हम जा रहे हैं सबके दरमियान पहुँच। शाहीन अंडे उबाल के लाई है, चाय बना के लाई है और बहुत जल्दी जल्दी खिलाना भी चाहती है, लेकिन पहले तारुफ तो हो जाए। ये हमारी शाहीन है। शाहीन जरा तारुफ दे दो। हसीना है, मलका है, कोहसार लग रही हो। किसने सुन लिया? मलका कोहसार है। हाँ और ये समीना, समीना भाई, मैंने कहा था कि हमने व्लॉग में अपने डालना है। हाँ बिल्कुल। और सारा सफ़र हम डालेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हम वाजत रोड पे गौर सेंटर पे हैं। ये अंडे ले दिखाओ जरा। ओ गर्मा गर्म मंडे हुआ है। ओह माय गॉड, जबरदस्त। सड़क के किनारे बैठ के हमारा अलग है ना। हाँ वैसे मैं नाश्ता करके आई हूँ। ओके ओके जी जी, गाड़ी आ गई है, अब हम जा रहे हैं सरगोधा के लिए, बस हो गया, बस एक खूबसूरत सफर का आगाज करने के लिए इंशाल्लाह। नहीं फॉग, बिल्कुल फॉग नहीं है, नहीं है। हाँ। समो गया चाहिए। अली बोलते हो मुझे जा रहा है। ये वो घर है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। अच्छा कर गया, ठीक कर गया। अमीर है कारवा, वैसे अमीर है या अमीर है? अमीर है। अमीर है कारवा। आप प्लास्टिक की कुर्सियों से अंदाजा लगा सकते हैं। प्लास्टिक का इसलिए कहा था डबल कुर्सी लगने दे। नहीं लेफ्ट चाहिए, बस यहाँ से जैसे आप दूसरा बैठे। हाँ डबल है, डबल है। अच्छा जी, जा क्यों रहे हैं वैसे अब्बा, ये तो बता दो। हम जहाज खरीदने जा रहे हैं सरगोधा से। नहीं नहीं सही बताए ना। हाँ ना, हमने जा हम क्यों जा रहे हैं अब्बा के सेमिनार में जा रहे हैं। अभी वो शायरा भी है और अभी कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, बड़ी बड़ी अभी शख्सियात है जी जी, ये ना बहुत सारी किताबों की ऑथर जी, और मेरे मजमून भी पढ़ना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वाह कितनी अच्छी। मैं तो जा रही हूँ तानिया बजाने के लिए। तानिया बजा रही हूँ मैं, पीछे लंच खाने के लिए बजाएंगे। इनको दाद भी तो चाहिए और क्या। हाँ, दाद ना देते हम शामिल पा जाए। मैंने काम का तो ऐसा चलता ही नहीं ना, दाद के बगैर तो काम ही नहीं होता। हाँ दाद जरूरी है जी। आपने सबको शाहीन ने अपने पर्स से निकाली जबरदस्त सम की एक टोपी है यार। अरे वाह भाई वाह, तस्वीर तो बनती है ना फिर। जबरदस्त यार, कोई फोटो सारी रौनक दांतों की है हमारी। दांत निकाल दिए जाए हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये दो दो हसीनाएं जा रही है मेरे साथ। हमारा स्टॉप सियाल। असल में ये सारी जितनी भी है ना, ये आरामदायक एक ही स्टाइल। अच्छा में सब चलता है और क्या मजा आता है। ये शाहीन हमारे लिए चाय लाई है जो हम पी रहे हैं यहाँ रुक के।
मेरे साथ रेहाना बैठी हुई है जो कि रेडियो की एंकर है। कबा चाय पीने आया है तुम्हारी जाफरानी चाय, वो देखो पीछे चाय पीने आया कबा। प्लीज इसको भी दो थोड़ी सी चाय, हाँ बिस्किट दो थोड़े। ये हम चाय पी रहे हैं। लो जी यहाँ तो समीना ने बारात कमों की कटी कर ली है। इनके चिप्स पे दावत हो रही है। समीना की कमों की बारात मसाला चिप्स पे और क्या सारा खिला दिया मैंने इनको। यार मुझे थोड़ी सी चिकोश जी मैं यहाँ पीछे रबर मेकअप हो रहा है तो जाने से पहले थोड़ी टचिंग हो जाए। टचिंग मचिंग ये उसको दो आतिशा कर रही है जो दिखाओगे तो पता चलेगा। छोड़े मेहनत को सही हो गया। डब्बे में पैसे डाल दिए मेकअप वाले। अब हम चल पड़े हैं ना, हमारा सफर दोबारा जारी हो गया है। हमने जो सियाल में रुके थे चाय शाय पिए एंजॉय किया और अब हम चल पड़े। बहुत मज़ेदार चाय, ज़ाफ़रानी चाय और साथ बिस्किट। सरगोधा आने की खुशी में निकल बचा है। कहीं सरगोधा खराब ना हो जाए। यार लाहौर में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। ज्यादा मैं समझ और तंग भी है ना लाहौर और कराची में। नहीं नहीं स्टेशन नहीं अड्डा। हाँ अड्डा ये लारी अड्डा तेरे मेरे बीच है। लारी अड्डा लारी अड्डा ये वो लारी अड्डा है। जो लोग मेरी तरह सरगोधा को सिर्फ सरगोधा समझ रहे थे वो अपने ख्यालात बदल लें। ये बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा शहर है, हर ब्रांड यहाँ पे मौजूद है और एक लाइन से अच्छा लगा देखकर। हाँ अबवा अदबी कॉन्फ्रेंस का बोर्ड नजर आया, खुश आमदीद की तख्ती नजर आई तो जान में जान आई। लाहौर से आने वालों का इंतजार था, जैसे हम सब आए तो प्रोग्राम शुरू हो गया। ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं मदिया कमल आपको आज की अदबी कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहती हूँ। इब्तदाई स्कूल में उस पाक हस्ती के नाम से जिसका जिक्र मेरे जहन को उजाला बख्शता है। بسم الله الرحمن الرحيم
तकरीबन 500 रात को दावत नामे तकसीम किए, जिसमें से आप खुद गिनती कर लें कि हम अदब दोस्ती में कितना कितने फाल हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और शाम फैली और सूरज का बुलावा, वाह। शाम फैली और सूरज का बुलावा, वाह। जिंदगी चुप हो गई, खामोश सुंदर हो गए, वाह। तेरे बराबर हो। सुमीना का नाम पुकारा तो प्रोग्राम प्रोग्राम लगने लगा। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इनामात देने का, मेडल्स, असनाद और ट्रॉफीज। टीवी और फिल्म का जाना पहचाना चेहरा और नाम राशिद महमूद साहब, जिनके हाथों से मुझे और शाहिन को अवार्ड मिला। इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हुआ। रिफ्रेशमेंट पर ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुँची। हमने कुछ यादगारी तस्वीरें भी उतरवाईं। उतरवानी क्या होती हैं, कैमरे में अपने मोबाइल्स में कैप्चर की और एक इस तरह से एक खूबसूरत याद लेके हम दोबारा आज़िम सफ़र हुए। से बड़ी ढारस मिलती है, दिल बंद। ये खवातीन बोलने नहीं देंगी पीछे वाली, तो मैं लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे सरगोधा से वापसी है। तो हमारे बोलने सही है ना भाई, रोनी के खिलाफ ही ज्यादा प्यार है, आप किसी और शहर से वापस जा रही हैं। सरगोधा से वापस जा रहे हैं अपने अपने दिल चाह रहा है वो शहर में पड़े थे आमरू होते तेरे पीछे से निकल। हां यार, बैडल शैडल दे दिए दादा। हां नहीं नहीं, अब टोकन ऑफ लव लेके जा रहे हैं। देखो ओके, हम एक बहुत मजेदार, हमने आपस में आपस में बहुत एंजॉय किया, सफर बहुत एंजॉय किया, वहाँ बैठ के भी हमने काफी हद तक एंजॉय किया। ये और बातें, लाइट का आना जाना बहुत बोर कर रहा था, लेकिन फिर भी मजा आया, क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हैं सफर में आते हैं तो आपको तजुर्बात भी मिलते हैं मजे मजे की, अच्छे अच्छे नए नए दोस्त जो है भैया तो पहचाने जाते हैं कि ऐसा दोस्त नहीं रहेंगे या फिर दोस्त बन जाते हैं। और यकीनन हम अपनी दोस्तियों को गहरा करते हुए चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खबर ये है कि हमारी शाहीन को सीट मिल गई है। हाँ, कुर्सी छिन चुकी है, अब उसको बड़ी सीट मिल गई है, सोफा मिल गया। इमरजेंसी फूड चाहिए हमें, इमरजेंसी फूड भी वो जो फास्ट का। मैं तो फिर उस बेमर्द
मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका है, मगरिब हो चुकी है, सफर में है। चलो तुम अपनी नजर सुनाओ। वो दोबारा से? हाँ हाँ दोबारा से।
बिरयानी तक नहीं मिली। अब तो कलाम के बाद हम अपने मुशारा बंद करते हैं। हाँ जी, हमने अपनी कमाई कर ली है, अब मुशारा बंद हुआ जाता है। मैं इसको बहुत संभाल के रखूंगी। अरे इसमें सब लोगों को बिरयानी खिलाना है, छह लोगों को। पेट पूजा करने के लिए हम सूखे की आराम करते और फिर उसके बाद क्या, ये झगड़ा हो रहा है कि हमने खाना क्या है। बटकड़ाई पे आए हुए, बटकड़ाई है मियाँ जी पे हैं, मियाँ जी पे आए हुए हैं और ये फैसला नहीं हो पा रहा कि खाना क्या है। इस वक्त हम हैं मियाँ जी के रेस्टोरेंट पे और ऑर्डर दे दिया है जो दाल मंगाई है। आज दाल डे है जी। हाँ, दाल के अलावा हमने कढ़ाई भी मंगाई है जो हम तस्वीर नहीं डालेंगे जिसकी। मौसम बहुत सर्द है, शायद ये वजह है कि यहाँ पे इतनी रौनक नहीं है, वरना तो आपको पता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा पुर रौनक है, सूखे की स्पॉट है और यहाँ पे तो माशाल्लाह खूब रौनक रहती है स्पेशली बाहर, लेकिन अभी नहीं है। अब सब कमरों में, यानी कि जो इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं, यहीं बैठना पसंद करते हैं। इस ट्रिप में जो सबसे खूबसूरत चीज़ रही वो हमारा सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आना और जाना रहा। बहुत मज़ा आया सबके साथ। अब यहाँ से हम लाहौर जाएंगे और फिर हम उसी स्पॉट पे उतरेंगे जहाँ से हमें वैन ने पिक किया था और मुझे मेरे ड्राइवर गनी ने ड्रॉप किया था, वहाँ पे वो होगा और मुमकिन है हसन भी हो। चलते हैं और मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बैटरी ख़त्म हो रही है और मुमकिन है घर जाने तक बैटरी बिल्कुल डेड हो जाए तो मुझे मसला ना हो, इसलिए दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत से व्लॉग में, खाना बनाते हुए या कहीं सैर करते हुए। अल्लाह हाफिज़, रब रखा। चले जिंदगी एक सफर है सोहा।